जबलपुर में बीजेपी ने लगातार 6 बार जीतने का रिकॉर्ड बनाया। इस बार पार्टी ने संगठन में काम कर चुके नए चेहरे आशीष दुबे को प्रत्याशी बनाया, जिन्होंने 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि लोकसभा को लेकर उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं, विकास को लेकर उनका आखिर रोड मैप क्या है। इस वक्त हमारे साथ एक खास शख्स मौजूद है, जो की मध्य प्रदेश की संस्कारधानी कहे जाने वाले जबलपुर से नुमाइंदगी करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में। आशीष दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत करते हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली बार जीत दर्ज की आपने, पहली बार नए नए चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, कैसा लग रहा है? निश्चित रूप से एक आत्मसंतोष होता है। और रही बात जीत की, भारतीय जनता पार्टी में आप ये मान के चलिए कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता है। राकेश सिंह साहब पहले थे, नुमाइंदगी कर रहे थे, और नया कैंडिडेट उतार देना, संगठन ने कैसे, क्योंकि आप संगठन में थे और संगठन से आप सीधे जनप्रतिनिधि। हमारे यहाँ की परंपरा यही है कि पहले कार्यकर्ता को संगठन में उसको तैयार किया जाता है, और उसके बाद कार्यकर्ता की कहाँ भूमिका होनी चाहिए, सत्ता में होनी चाहिए, संगठन में होनी चाहिए, ये हमारा पार्टी नेतृत्व तय करता है। लेकिन ये बदलाव की ज़रूरत क्यों महसूस हुई पार्टी को? राकेश सिंह अच्छा कर रहे थे। निश्चित रूप से वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, अच्छा काम कर रहे थे, और अभी भी उनको दायित्व दिया गया है, एक बड़ा दायित्व है उनके पास, प्रदेश सरकार में वो मंत्री हैं। जबलपुर को लेकर क्या रोड मैप है, क्या तैयारी है, क्योंकि पहली बार आप चुनकर आए हैं? देखिए, हम जबलपुर को लेकर जो मेरा एक केंद्र बिंदु है कि विकास, विकास और सिर्फ विकास, एक स्वच्छ जबलपुर हो, एक व्यवस्थित जबलपुर हो, एक विकसित जबलपुर हो। सबसे बड़ी समस्या जबलपुर की यह है कि वो उतना व्यवस्थित नहीं है। सफाई की बात करें तो सफाई में भी उतनी एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि वहाँ का व्यापारी वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो जबलपुर का, अभी बारिश के दिन आने वाले हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जल भराव की एक समस्या होती है। ये बड़ी बड़े मुद्दे हैं, बड़ी समस्याएँ, लोगों की दिक्कतें होती हैं। देखिए, उसका कारण है जब जनसंख्या का दबाव बढ़ता है तो ये सारी चीज़ें फिर हमको नए सिरे से व्यवस्थित करनी होती, इसलिए मैंने इस शब्द का प्रयोग किया कि एक व्यवस्थित और सुंदर स्वच्छ। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये तो हमेशा होंगी, हम कितना भी उसको एक बार स्वच्छ कर दें, एक बार व्यवस्थित कर दें, उसके बाद हम सोचें कि अब हमको ये काम करने की आवश्यकता नहीं, तो ऐसा तो होता नहीं, ये तो समय के साथ चलेगा। इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, मेट्रो लेकर आ रहे हैं, तैयारी है मेट्रो की, क्योंकि इंदौर, भोपाल, फिर जबलपुर की बात हो रही थी मेट्रो की। ज़रूर हर दिशा में प्रयास किए जाएंगे, और उसका क्या कैसे काम होगा वो समय के साथ सरकार के साथ बैठ के हर चीज़ को तय करने का। मैंने कहा ना कि जबलपुर को महानगरी स्वरूप देने के लिए हमको जो कुछ भी करना पड़ेगा, हम उसके लिए पूरे सार्थक प्रयास करें। अभी हाल ही में जबलपुर में नो फ्लाइंग डे की चर्चा रही, बड़ा प्रदर्शन हुआ, मेरे ख्याल से आपको याद होगी। ये होता है कई बार, ये मानता हूँ कि कई फ्लाइट्स बंद हुई, उसके कुछ कारण हो सकते हैं, टेक्निकल कारण हो सकते हैं, निजी कंपनीज हैं उनकी अपने कुछ, लेकिन उसके बाद भी हमने उसमें प्रयास किए, 1 जुलाई से कुछ फ्लाइट्स चालू हो रही हैं, और उसके बाद हम अभी पूरे आशा और विश्वास के साथ हम ये कहते हैं कि आने वाले समय में और भी फ्लाइट्स चालू होंगी, जबलपुर के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी।